दोस्तों ने, जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक स्टार एशिया टीवी की तरफ से, हमारी तरफ से। और मैंने आपको कहा था ब्रेक से जाने से पहले कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं। नो डाउट, वो इसीलिए कि आपने खुद कह दिया था कि मुझे नहीं गाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मैंने उनके लिए गाया है सर। नॉट फेयर, उन्होंने गा दिया हम लोग के कहने पे। हाँ। बहुत बड़ी बात देखो है। इसके शोभिया के एक्सप्रेशन देखो कि आंखों में आंखें डाल के, कैमरे के आंख में डाल के आंख गा रही है। और नहीं गा नहीं रही, नहीं, हाँ। वो होस्टिंग जो कर रही है वो कैमरे के आंख में आंख डाल के, और जब गा रही है तो ऐसे कर रही है। लड़कियां लड़कियों की तारीफ नहीं करती। अब जाहिर है एज एन एंकर तो उनको यहाँ पे कोई भी लड़की आएगी उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन एक अंदर से उनको जलसी होती है, जलसी होती है। लेकिन मैं सोबिया की तारीफ करना चाहिए, मुस्कुराती बड़ी खूबसूरत है। खुद भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। कामरान एक जबान होती है, आप कभी उनकी बुराई करती है, कभी आप सोफिया की बुराई नहीं 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 की थी ना, सोफिया की बुराई नहीं की थी, बुराई बुराई देती है। हां हां की थी, बुराई की क्या कहा था मैंने जनाब, बस अब हर बात बताएंगे। बुराई नहीं, बढ़ाई की थी। अच्छा बढ़ाई की थी, ठीक है। तो आप देखिए रागनी, आप लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, ये काम कब से कर रही हैं, ये कह रही हैं। लेकिन जो भी था मैंने सिर्फ आपके लिए, आपने जो है वो कहा था, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया है। नहीं ये तो बहुत रियली, मैं मजाक नहीं, वाकई मैं सही कह रहा हूं, आपके कहने पे उन्होंने गा दिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन रागनी का एक रूप आज नजर आ गया कि रागनी लड़वाती भी है आपस में, ये क्या चक्कर है? जो लड़कियों की बुराइयां करते हैं हम उन्हें नहीं छोड़ते। हाँ मैंने बुराई तो नहीं की थी, जैसे पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं हर मुसीबत में, बिल्कुल वैसे जब कोई लड़के उनको तंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि लड़के जो आपस, मैंने कोई तंग नहीं किया आपको। हाँ वो तो नजर आ रहा है, नहीं करेंगे मुझे लैला और रूज, आप नहीं करेंगे लैला और रूज। क्या बात है जी। रवि कैसे और अनवर भाई, मैं आप दोनों से फिर दोबारा पूछूंगा, आज एक हमें मौका मिला है अपने कथासिस करने का भी, अपने नाज़रीन को मैसेज देने का भी, अच्छी तरीके से ईद को सेलिब्रेट करने का भी, कैसे लग रहे हैं? बड़ा अच्छा लगा यहाँ बैठ के। वाकई हम घर में अगर होते तो बहुत उदास होते, यहाँ बैठ के हम कम से कम ये है तो इंजॉय तो कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे व्यूअर्स हैं बिल्कुल, जो हमारे प्यार करने वाले हैं, जिनकी वजह से हम आर्टिस्ट हैं बिल्कुल, तो वो हमें देख के कितना खुश हो रहे हैं लाइव हमें देख के, और शेयर कर रहे हैं हम उनसे, हम उनसे अपनी उनकी और जो भी शेयर उनसे कर रहे हैं, चाहे वो जो लोग उदास बैठे हैं हमारे सलाबजद गान जो जितने भी हैं, लेकिन उनके लिए भी हमारे लिए दुआएं बहुत सारी, बहुत सारी दुआएं के परवरदिगार आलम आइंदा साल उनको भी अपने अपने घरों में रखे इंशाल्लाह, और हमारे साथ कभी भी ऐसा ना हो परवरदिगार आलम, और हम अपनी जो हमारा हर दिन ईद की तरह हो। अच्छा अब हम बात करते हैं अनवर रफी, एक बहुत बड़ा नाम नो डाउट, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, किस चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करते हैं और किस चीज़ को नापसंद करते हैं, कुछ हमारे नाज़रीन को आज भी पता चलना चाहिए आज ईद शो पे। मैं और आज ईद है और आज के दिन आपने कोई यानी कि वो दिल में नहीं रखने बात जो है सच्चाई। मैं आपको सही बात बताऊँ कि मैं बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जो आदमी बनावटी हो ना मेरे सामने, चाहे किसी भी शक्ल में हो, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जिसने झूठ बोला, नेचुरल आदमी जो है ना मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आप बात कर रहे थे रागनी और मैं फिर नाम लूंगा वाला हां ले ले ले, इशारे हो रहे थे और मेरी तरफ इशारे हो रहे थे, देखिए यार क्या मुझे पॉइंट कर लिए यार, अच्छे लग रहे होंगे ना ये, देखिए रागनी मैंने क्या कसूर किया है, मेरा प्रोग्राम ही मेरे खिलाफ। आप आइंदा किसी लड़की के बारे में कुछ बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोला असल में, खुदा बता दे मैंने क्या बोला। मुझे ऐसे लग रहा है कि रागनी ने कोई और होस्ट तैयार किया हुआ है बाहर उसको कि मैं निकलवाती हूँ इसको मेरे खिलाफ साजिश नहीं, 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 नहीं। लड़कियों की अच्छाई कर दे तो हमें, मैंने बस थोड़ा सा बदलाव नहीं तरफ से नहीं जी। सोबिया बहुत अच्छी होस्ट है, बहुत अच्छी मॉडल है, बहुत अच्छी लड़की है, लड़की भी थैंक यू सो मच, ठीक है ना, बहुत अच्छी सिंगर भी कह दे, बहुत तारीफ कर रहा हूँ यार अभी लिखते हैं, बहुत अच्छी सिंगर भी कह रहे हैं, आपने भी गाया, इतनी तंदिया तारीफ नहीं चाहिए, हर बात समझ आते हैं दिल से तारीफ बंदा के ना। इनका आपको लग रहा है कि मैं दिल से तारीफ नहीं कर रहा? नहीं दिल से आप नहीं कर रहे। अच्छा जी अनवर भाई बताएं कैसे दिल से तारीफ होती है? यार आप प्रोग्राम कर रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं? अनवर भाई आप ही बता रहे हैं दिल से तारीफ कैसे होती है? नहीं नहीं दिल से तारीफ कर रहे हैं आप। अच्छा मुझे आप लग रहे हैं? नहीं मुझे उन्होंने कहा है, उन्होंने मैंने इशारतन उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने दिल से तारीफ की है। देखिए जी मैं बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी रियायत और मैं इनकी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी आपकी बात को, कि आर्टिस्ट जो होते हैं बड़े टची होते हैं सेंसिटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि हम जैसे हैं हमें सामने वाला भी वैसे ही हमें ट्रीट करे, तो फिर जब हम लोगों के साथ
लोग हैं कि पेंटिंग करने की कुछ कोशिश करते हैं। आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ क्योंकि सभी आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट वो होता है जो बाय बर्थ हो, ठीक है, बिल्कुल। अब कई लोग तो बस वैसे ही बस वैसे कोई शामिल वाजा भी करना है उसमें, उनके नहीं मिलते आपस में, तो वो अब जब आर्टिस्ट एक वो भी आर्टिस्ट है जो किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता, और एक वो भी आर्टिस्ट है जो किसी का बुरा कर देते हैं। अच्छा ऐसे भी है, बहुत ज्यादा। अच्छा वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो आर्टिस्ट होगा तो नहीं करेगा, नहीं करेगा, जो नहीं है वो टांग खींचेंगे, बिल्कुल सही। और ऐसे लोग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन और आप यकीन करें कि कहीं शो है या कोई कंसर्ट है, कोई मूवी का आपकी गाना है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ आपके मुंह पे ऐसे होंगे जैसे इनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं है, लेकिन वही आप बिहाइंड द बैक होंगे किसी और सिंगर को कर ले आप, कितने गाने उन्होंने गा लिए हैं, ये फला शो है तो इसमें आप किसी और फीमेल आर्टिस्ट, लेकिन जब मुंह पे होंगे आपसे तो अच्छा कोई है ही नहीं जी, तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, उनको वैसे चट कर देता है क्योंकि टैलेंट है, आप उसे कभी भी आप एक मतलब बंद नहीं रोक नहीं सकते, वो तो आने ही सिफारिश जो होती है ना वो आपको आगे जरूर ले आती है, लेकिन वो एक लिमिटेड पीरियड होता है, जैसे आप स्लो एंड स्टडी जब आप स्ट्रगल करते हो ना तो फिर वो आपका एक तो मकाम आपको मिलता लेट है, लेकिन वो ये होता है कि वो देर पा होता है, बिल्कुल उस पे आपको फिर स्टैंड होने का अल्लाह ताला भी मौका देते हैं कि तुम इस बंदे ने इतनी मेहनत कर दी है तो फिर इतना स्टैंड करो, स्टैंड लेना चाहिए, तो फिर यही बात है कि आप रियाजत करते हैं, आप मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने बैठी हुई है बेशक, और इन्हीं लोगों से हमने ये एक्सपीरियंस गेन किया कि जैसे इन लोगों के नाम है, लेजेंड्स हैं ये, लिविंग लेजेंड्स हैं, तो इस तरह हमें भी अल्लाह इज्जत बख्शे, तो वो किस तरह हो सकता है कि अगर हम इनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो, अदरवाइज अब सिफारिश आते हैं, हमने भी बड़े बड़े अपने बड़े जितने भी हमारे सीनियर्स हैं हमने भी उनसे यही सीखा, यही सीखा बिल्कुल, कि बेटा किसी की भी बदतरीफी नहीं करनी, किसी की भी अपने काम से काम रखें, बिल्कुल। तो वो लोग जो लेग पुलिंग करते हैं ना वो आर्टिस्ट नहीं होते, प्रैक्टिस रियाजत ये बड़ी जरूरी है, प्रैक्टिस हो रही है आजकल भी, अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में रमजान में बहुत कम होती है जी, क्योंकि स्पीच शो ही हमने किए हैं जितने भी किए हैं रमजान में, और वैसे भी सलाब की वजह से ना हमारे जितने म्यूजिकल प्रोग्राम थे ना जितने भी वो सारे स्टॉप हो गए, इस वजह से वो रमजान की वजह से रियाजत जो है ना उसका वक्त कम मिला है, क्योंकि वो सहरी के वक्त करना होता है, खाना होता है, तो रियाजत जो हमारी है वो सुबह के उठ के होती है, तो अगर जब रियाजत करते हैं ना तो उससे फिर भूख लगती है, क्योंकि सारा जो खून है ना वो फिर वो जोश मारता है ना ऊपर नीचे आवाज करने वाला काम है, ऐसे मैं फर्स्ट टाइम वैसे सुन रही हूँ कि अगर आप इस तरह करते हैं तो उससे भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, कैलोरीज होती है ना, वो ताकत लगती है बहुत ज्यादा, और वैसे भी लाइव गाने वाले जो सिंगर्स हैं तो वो तो खाए बगैर, कई लोग तो ऐसे हैं जो खाए बगैर नहीं गाते, और कई लोगों को गाने के बाद लोग तो हैं खाए बगैर नहीं गाते, हाँ मैं भूखे पेट नहीं गा सकती। अच्छा प्रॉब्लम हर बंदे की फिजिकली नहीं नहीं उनकी एक आदत होती है कि अब जैसे मैं भूखे पेट हूँ मेरी मुझसे गाना प्रॉपर मैं नहीं गा सकूंगी, लेकिन अगर मेरी रिकॉर्डिंग है या मेरा शो है तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा। कॉन्सर्ट्स में आजकल तो यही हो रहा है कि जो जितने भी सिंगर हैं सीडी लगा दी तो लिप सिंक किया तो वो आपने देखा ना सीडीज, उसमें हम सीडी पे परफॉर्म करते हैं एक दो गाने, लेकिन जो हमारे पर्सनल कॉन्सर्ट्स होते हैं इसमें बहुत सारा क्राउड हमें फेस करना पड़ता है, सोलो परफॉर्मेंस है तो सीडी कितनी चलाएंगे, फिर जब सीडी रुकेगी तो ऑडियंस तो आपको अंडे और जो भी उनके हाथ में है वो तो स्टेज पे आ जाता है, चाहे जितना बड़ा मर्जी सिंगर हो, क्यों खास आपको इतना, जब आप किसी भी फील्ड में हैं जैसे आप कंपेयर हैं हम सिंगर से, तो हमें चाहिए कि अपने काम को पॉलिश करते हैं, सिंगिंग तो जितनी इसको पॉलिश करें उतना ही है, जैसे अब वो इतने माशाल्लाह बड़े सिंगर हैं और वो रियाजत नहीं छोड़ते अपनी, तो आप कितने घंटे करते हैं मतलब डेली करते हैं, कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे तो लाजमी हो जाती है डेली रोजाना बिलाना था, देखें जी सुबह शाम फुल टाइम जॉब है, हम तो कहते हैं सिंगर अगर फारिग हो तो फिर गानों सुन जरा की तान है तो नहीं इतने सालों से फारिग अगर हो ना अगर टाइम हो ना बस वक्त तो फिर 8-8 घंटे भी हो जाता है 9-9 घंटे भी हो जाता है, जिस तरह इनके गाने में वो है ना मेरे पास वो जो कामरान ने भी बताया कि कामरान भी रहा ये अवर ये अवर जब भी मैंने गाना सुना था ना मैंने इतनी कोशिश की इतनी प्रैक्टिस की, अब भी करता हूँ अब भी मैं नहीं कर सकता, नहीं नहीं आप तो ये अवर आपने ठीक लिया, लेकिन आप जिस मुकाम से ले रहे हैं ना वो इसका वो मुकाम नहीं है, स्केल छोटा है, नहीं नहीं स्केल नहीं, वो जिस सुर से ये तान आई है ना जी जी
अगर उस सुर से आप अगर तान लेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके माशाल्लाह आवाज अच्छा है। इतना मुश्किल काम है ये आम कोई, और आप यकीन मानो कामरान ये सिर्फ मैंने 20 मिनट में गाना रिकॉर्ड किया है उसी वक्त सुन के। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात कर रहे हैं नाज़िम, आपको बताता चलूं कि म्यूजिक डायरेक्टर की रिकॉर्डिंग होती है तो 8-8 घंटे सिंगर गाता है तो उसके बाद कहीं जाके वो ओके की टेक्स होती है। क्यों रागिंग इसी तरह बात है तो ये कैसे रिकॉर्डिंग फील्ड में अभी तक अभी है। सैयद नूर साहब डायरेक्टर थे इसके, एम अरशद मौसीकार थे, मुझे उन्होंने बुलाया। मैं रात को शो से आया था, लेट आया था, 3 बजे सो के उठा हूँ तो मुझे फ़ोन आ गया एम अरशद का कि यार ज़रा स्टूडियो में आओ ज़रा। मैंने कहा क्या यार, एक फिल्म नहीं शुरू हुई है, आपने गाना गाया तो मैं चला गया। मैं गया तो जब सो के आदमी उठता ना थोड़ा सा जो वोकल क्वालिटी है वोकल कॉर्ड्स वो हार्ड होते हैं आदमी का, तो मैंने जब गाना सुना तान सुनी मैंने कहा यार ये तो अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा यार, मैं कल कर लूँगा। नहीं 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 अनवर यार अभी करना है। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा सेट किया, चाय वाय मंगाई पी, तो मैंने जब सुना गाना उसके बाद हार्डली 15-20 मिनट में मैंने गाना रिकॉर्ड कर दिया। तो नूर साहब आ गए दोबारा, कहने लगे गाना रिकॉर्ड हो गया। मैंने कहा हो गया यार, हो गया वाकई हो गया। मैंने कहा सुन ले यार, सुना तो बहुत अच्छा। 20 मिनट तो कहने लगे उस वो कहने लगे यार एक गाना और है, ठहरो फिर आपने पोषण तुम कर जो उमेरा चन्ना के साथ है, छू ले अगर तुझको हवा। अभी वो भी सुनेंगे, वो भी हार्डली 20 मिनट में मैंने अपने लाइनें कह के, तो मैं आधे पौने घंटे में 2 गाने आपने कर लिए। जी मैं गाने गा के चल गया। आपका रिकॉर्ड होगा मेरा ख्याल है कि इतने मुश्किल इतने। मैं तुम्हें कामरान आज बताऊं, मैंने कभी कभी भी वो कहते हैं ना अपने आप को प्राउड नहीं समझा और ना ही मैंने कभी शोबाजी की ज्यादा। कई लोग कहते हैं मैंने इतने गाने गाए, यकीन माने आज मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एक शिफ्ट में 40 गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं। कोई कोई मुझे बता दे किसी ने तो वाकई एक शिफ्ट में एक दिन में सुबह से लेके रात 12 बजे तक 40 गाने रिकॉर्ड किए और कंटिन्यूसली, और नए गाने ये नहीं कि गाए हुए नहीं, नए ये ट्रैक सुना ये रिकॉर्ड कर दिया, ये ट्रैक सुना ये, अल्हम्दुलिल्लाह सदका पंचतन पाक दा मालिक का मुझ पे ये करम है, पंचतन पाक का ये करम है कि मैं जब कोई भी गाना सुनता हूँ ना तो उसको मैं तंग नहीं करता। वो गाना जब सुनता हूँ तो फिर मेरा हो जाता है वो गाना, जबरदस्त। क्या उसके बाद फिर मैं उसको प्ले कर देता हूँ। आपको तो फिर पता होगा मेरे ख्याल ये फिर रिकॉर्ड है आपका, कम से कम पाकिस्तान में तो आपके पास ये रिकॉर्ड है कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान में पूरे बड़े सगीर में किसी ने भी आज तक ये रिकॉर्ड को ही कैम नहीं किया अभी तक, किसी ने 40 ट्रैक मैंने मिक्स की है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे चैनल के थ्रू ये बात लोगों तक पहुंच रही है। 40 ट्रैक का मतलब है 4 वॉल्यूम 4 कैसेट, कमाल है। 4 कैसेट एक दिन में मैंने, तो वो मुख्तलिफ फिल्मों के थे, एक ही स्टूडियो में सारे गाने हो रहे, एक ही स्टूडियो में एक ही राइटर था एक ही म्यूजिक डायरेक्टर था। चलें अब इसी बात पे वो वाला गाना जो आपने जो है, हाँ ये सुना दे जरूर। छोड़ ले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा, कहता है दिल तुझको कोई देखे ना अब मेरे सिवा, कैसा है ये कैसा तेरा दीवानापन, यही कुछ मेरा भी चाहता है मन, प्यार कोई और तुझे करे ना सजन, प्यार कोई और तुझे करे ना सजन। छोड़ ले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा, जागी जागी अखियों में तू समाई है, सोनी सोनी तूने जिंदगी सजाई है, ऋतु हो फिजा की या दिन हो बहार के, चलते रहेंगे यूं ही सिलसिले प्यार के, जागी हुई महकी फिजा, कहना है जो मैंने कह दिया, कहता है दिल तुझको कोई देखे ना अब मेरे सिवा, कैसा है
ये विस्पर में स्वीट मेलो लव फील है, कितना लवली और कितना रोमांटिक सॉन्ग है। तब तब सुना था आपने जब ये नहीं, ये मैंने कोई एक दो साल पहले सुने हैं सॉन्ग, लेकिन पुराने नहीं है ये भी बहुत बहुत हिट हुआ था ये भी गाना। लेटेस्ट और इसकी फील, इसकी मेलोनेस असल में कामरान, मेरा स्कूल ऑफ थॉट है मोहम्मद रफी साहब। बिल्कुल, रफी मेरा क्या नाम है, ठीक है ना, शागिर्द भी हैं जी। तो मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ, चूंकि वो ऑलराउंडर आदमी थे, तो इसीलिए जब मैं फिल्म का कोई आइटम जब गाता हूँ ना, सॉन्ग गाता हूँ, तो उससे पहले मैं ये पूछ लेता हूँ कि ये कौन से अदाकार पे है, कौन प्ले कर रहा है, तो उसको टाइप को अपना लेता हूँ। ये मेरी कोशिश है, क्वालिटी है। अब देखें ये बाबर पे है, बाबर को मस्करियां करते मैंने फिल्मों में बहुत कम देखा है। उसका एक अपना स्टाइल है, बहुत अच्छा स्टाइल है। उसके ऑपोजिट आप रैम्बो को देख ले, रैम्बो है वो शरारती है, मुनव्वर ज़रीफ टाइप उनका जहन है वो, तो वो फील ले आते हैं वो कॉमेडियन। उनके गाने मेरे बहुत सारे, छोड़ के सारी दुनिया मैंने अपना तुझे बनाया, समझ ना आए मुझको तूने कैसा खेल रचाया, तंग होके बेल बजा के ठाबुआ खड़काया, कुंडी खोल सोनिया ने तेरा टोल शराबी आया। अब ये भी दो साल पहले सुना है यकीन नहीं, अभी तो बहुत बातें आपको बाद में पता चलेगी। अनवर भाई, आप हमारे प्रोग्राम में ईद को चार चांद कहते हैं ना लोग, रागनी और अनवर जी, तो मैं कहता हूँ चार नहीं, आपने कोई आठ दस बारह जितने भी चांद आपने लगा दिया, खूबसूरत शो बना दिया, और हमारे नाज़रीन ने भी यकीनन बहुत एंजॉय किया होगा आपकी अच्छी अच्छी मीठी मीठी सच्ची सच्ची प्यारी प्यारी बातों को। बहुत खुशी हुई हमें, और हमें पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया, आप लोगों की इतनी प्यारी बातें थी। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आप सबको, आपको, आपकी फैमिली को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत दिल से मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, इंशाल्लाह और गेस्ट होंगे और अच्छी अच्छी बातें होंगी और आपको एंटरटेन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, छोटी सी ब्रेक, हम अभी आए। स्टे ट्यून्ड विद स्टार एशिया।